ठीक है, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ध्यान कहीं और रख के पढ़ते हैं, उनका ध्यान काम पे लगा हुआ है, काम खत्म कर रहा है, जहन को फारिग नहीं किए, जिस्म को फारिग किए लेकिन दिमाग को फारिग नहीं किए, कंजूस हैं भाई, थोड़ी देर तक सोच नहीं सकते, 15 मिनट कोई काम नहीं, अल्लाह ने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी नेमतें दी, अब ये जो नमाज पढ़ रहा हूं मैं जितनी देर, अब इस टाइम पे काम भी फुल स्टॉप, बाद में काम करूंगा। अच्छा, सही बात तो ये है कि अगर वो टाइम पे अपने आप को फारिग कर देंगे काम ज्यादा होगा। हाँ, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है तफर्रग ली इबादती, ऐ बंदे अपने आप को फारिग कर मेरी इबादत के लिए, मैं तेरे दिल को इत्मीनान से भर दूंगा और तेरी गरीबी को दूर कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे हाथों को काम से भर दूंगा और तेरी गरीबी को दूर नहीं करूंगा। पता क्या चला, हाथों को काम से भर दूंगा, फारिग नहीं करना है ना, क्या सोच रहे थे, काम के बारे में सोच रहे थे, काम के बारे में सोच रहे थे, काम करने का बहुत शौक है तुम्हें। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह कहता है अब ऐसे शख्स के हाथों को अल्लाह काम से भर देगा, बहुत शौक है ना, करते रहो। और काम जो खत्म होते हैं ना हमारे, हमारे करने से नहीं खत्म होते, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के एहसान से, अल्लाह की मदद से खत्म होते हैं। अब वो शख्स काम कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और खत्म नहीं हो रहे हैं उसके काम। जैसे कई बार होता है ना, आदमी कहता है अरे मैंने काम कितनी बार कर रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो जायजा लो अपनी जिंदगी का। तो हकीकत तो ये है कि हमारे काम ज्यादा खत्म होंगे अगर वो टाइम पे काम के बारे में नहीं सोचेंगे। इंसान ये सोचता है कि नमाज के टाइम पे भी काम करूंगा तो शायद ज्यादा काम हो जाएगा, 9 घंटे काम करता हूँ उसकी जगह 10 घंटे काम करूंगा तो ज़्यादा काम ख़त्म कर पाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है ना कि वो नमाज के वक्त पर अपने जिस्म और अपने जहन दोनों को वो अगर फारिग कर देता है, उसके काम ज़्यादा ख़त्म होंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद उसके साथ होगी और अल्लाह की मदद से उसके काम ख़त्म होंगे, उसे दुनिया में भी खैर मिलेगा, आखिरत का भी खैर मिलेगा।